अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, यूनिक लाइफस्टाइल में आप सबको वेलकम। एक और न्यू व्लॉग, होप कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। और आज है 10 मुहर्रम, तो 10 मुहर्रम की न्याज भी दिलानी है और साथ के साथ आज रोज़ा भी है, तो उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। और बच्चों की क्योंकि हो गई हैं वेकेशंस स्टार्ट, तो जनाब सारा टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड किया जा रहा है। तो आज का व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और नाश्ता, क्योंकि बच्चे बहुत लेट सो के उठें, तो सिंपल ब्लड पे उनको मैं लगा के दे रही हूँ न्यूट्रेला। इस टाइम वेले खा लेंगी वो, उसके बाद इनको मैं करूँगी फ्रेश और फ्रेश होने के बाद जल्दी इनको लंच करा दूँगी। तो दिन बड़े ही कोई बिजी से गुजर रहे हैं, क्योंकि वेकेशंस जब से स्टार्ट हुई हैं तो दोनों मज़े से देर तक सोती हैं। पहले ये काम सिर्फ मरियम करती थी, अब फातिमा की भी छुट्टियाँ हैं तो खूब इंजॉय कर रही है। और इस टाइम दोनों का स्क्रीन टाइम है, उठ के थोड़ा सा थोड़े देर के लिए कार्टून्स वगैरह देखती हैं। और मरियम ने तो एक अपनी ही न्यू दुनिया बना ली है, ये एक उसका छोटा सा हर्ट है, इसी पर उसके टॉयज़ हैं, वहीं पर उसका खाना पीना सब कुछ आजकल यहीं पे हो रहा है। क्योंकि इनकी ज़ाहिर एक्टिविटीज़ मुझे दिन ब दिन रोज़ कोई ना कोई न्यू एक्टिविटी करानी होती है, तो इसलिए चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके इनको मैं दे रही हूँ। और जल्दी एक चीज़ से थक जाती हैं तो फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी चीज़ दे देती हूँ। तो फ़िलहाल रूटीन बड़ी कोई टफ सी गुजरी है। मुझे लग रहा था कि फ़ातिमा के एग्ज़ाम्स हो गए तो मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो जनाब आज रात शाम के लिए न्याज भी रेडी करनी है, तो न्याज में मैंने आज बनानी है खीर। और खीर सिंपल लजीज़ा खीर मिक्स से जैसे बनती है वैसे ही बनाऊंगी, लेकिन उसको थोड़ा सा थिक करने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी चावल। तो मैंने यहाँ पे मुट्ठी भर चावल ले लिए और उनको जो है वो ग्राइंडर में ग्राइंड करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लिया। और जो लजीज़ा खीर मिक्स का पैकेट है, अब इसमें ये थोड़े से जो मैंने चावल ग्राइंड कर लिए हैं ये भी इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से, इन दोनों चीज़ों को यकजा कर लूँगी। दूसरी तरफ जो है वो मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया। जब दूध बॉयल हो जाएगा तो वो तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैं उसको और अच्छे से पका लूँगी, ताकि वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तो फिर मैं उसमें शामिल करूँगी जो मैंने लजीज़ा खीर मिक्स का पैकेट और साथ जो मैंने उसमें राइस डाले थे। तो बहुत ही कोई यमी टेस्ट बनता है, ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा कि जब भी आप लोग खीर बनाएँ और अगर लजीज़ा खीर मिक्स से बनाएँ और उसको और अच्छा करना हो तो उसमें थोड़े से चावल भी ज़रूर ऐड कीजिए। क्योंकि लजीज़ा खीर मिक्स से जब हम खीर बनाते हैं तो वो थिक नहीं होती, बिल्कुल पतली सी होती है, तो उसको थोड़ी सी थिक करने के लिए मैं उसमें चावल ऐड कर देती हूँ। और चावल डालने की वजह से टेस्ट जो है ना वो और बहुत ज़्यादा यमी सा हो जाता है। तो जनाब न्याज भी साथ के साथ रेडी हो रही है और दूसरे काम भी करने हैं। तो जनाब बच्चों के साथ टाइम ऐसे गुजरता है कि बिल्कुल टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता। और क्योंकि इनकी वेकेशंस हैं तो जनाब रोज़ इनको डिफरेंट डिफरेंट किस्म के खेल खेलने हैं और इनके साथ पूरा पूरा टाइम इनको देना है, तो बस वो टाइम गुजार रहे हैं। लेकिन आज क्योंकि 10 मुहर्रम भी है, कहते हैं कि 9 और 10 मुहर्रम को वैसे ही बहुत गर्मी होती है, लेकिन इस साल बहुत ही कोई शदीद वाली गर्मी हुई है। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, हालांकि मैं पिछले 7 सालों से ओमान में रह रही हूँ, इतनी गर्मी मैंने कभी नहीं देखी जो कि मैं इस साल देख रही हूँ। दीवारें घर ऐसे तप रहे हैं कि ना पूछें। और यही गर्मी जनाब और भी दूसरे मुल्कों में इस बार ऐसे ही है, तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक अपना ख़ास रहमो करम करें हम सब पे। तो जनाब यहाँ पे साथ के साथ फातिमा और मरियम के गेम्स भी चल रहे हैं। दोनों को सबसे पहले तो मैंने फ़्रेश करा दिया, फ्रेश दोनों हो चुकी हैं और अपने गेम्स भी दोनों ने स्टार्ट कर दिए हैं। तो बच्चे ऐसे नहीं कि अकेले खेलेंगे, मुझे लग रहा था कि फातिमा के एग्ज़ाम्स के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी और इतनी ज़्यादा उसको मेहनत कराई है, इतना बेचारी को मैंने स्टक करके रखा हुआ था, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो बेचारी को अब थोड़ा रिलैक्स तो बनता ही है और सोचा कि खुद रिलैक्स करेगी। लेकिन बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कोई भी काम खुद अकेले नहीं करते, उनको कोई ना कोई चाहिए होता है। तो दिन में ये ड्यूटी मैं दे रही होती हूँ, इनके साथ के साथ इनकी एक्टिविटीज़ में इनका साथ दे रही होती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे अकेले खेलते नहीं हैं। और फातिमा मरियम की तो हर 2 से 3 मिनट में फ़ाइट ही हो जाती है, तो जो सारा टाइम होता है वो उनकी जो है ना फ़ाइट को सुलझाने में लग जाता है। तो जनाब की इतनी कोई लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि जो चीज़ फातिमा को हो वही चीज़ मरियम को चाहिए होती है। तो जनाब ये तमाम चीज़ें भी मैं सॉर्ट आउट कर रही थी साथ के साथ। जो मेरी खीर है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में वो अच्छे से बन के रेडी हो गई थी, और
इतनी कोई लजीज सी खुशबू आ रही थी कि जनाब ज़बरदस्ती, और मेरा पूरा प्लान था कि मैं इसको जल्दी रेडी करके और फिर जब नमाज असर अदा करूँ तो फिर मैं 10 मुहर्रम की फातिहा भी लगा लूँ, और फिर शाम में क्योंकि अफ्तार के लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ें बनानी, कोई ख़ास अहतमाम नहीं करना अफ्तार के लिए, लेकिन हाँ अफ्तार है तो एक दो चीज़ें ज़रूर जो है वो रेडी करूँगी और फातिहा भी दिला दूँगी। तो जनाब खीर यहाँ बन के रेडी हो गई है, उसमें मैंने बादाम कट कर लिए थे और साथ के मैंने उनमें बादाम भी डाल दिए हैं, और बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक कबूल फरमाए हम जो भी नज़र व न्याज पंतन पाक को पेश कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन हमारी नज़र व न्याज को कबूल फरमाए। और यहाँ पे एक और एक्टिविटी इनकी निकल गई है, स्लाइम में नहीं देती, मुझे स्लाइम से बहुत ज़्यादा चिढ़ है क्योंकि स्लाइम से जो बच्चे स्लाइम से खेल रहे होते हैं उस दिन तो फातिमा तो ध्यान करती है, पर मरियम अपने कपड़े ज़रूर ख़राब करती है, और स्लाइम अगर कपड़ों पे लग जाए तो वो बस फिर समझें कि वो सूट बेकार ही हो गया है। लेकिन फिर भी मैंने इनको साथ बीड्स भी दे दिए थे और बहुत इनसे कहा था कि कपड़ों का ख्याल रखना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बचत हुई है, लेकिन इन लोगों ने जो अब अपना क्वालिटी टाइम है वो खूब इंजॉय कर रही हैं, और साथ के साथ इन्होंने मुझे भी बहुत बिज़ी रखा हुआ है। तो दिन ऐसे ही गुजर रहे हैं बच्चों के साथ, सोचा कि अपनी YouTube फैमिली को शेयर करती हूँ कि समर वेकेशंस में कैसे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है, इसलिए देर देर से वीडियो भी आ रही हैं क्योंकि इनमें इतना टाइम लग जाता है इनके साथ टाइम गुजारने में कि बिल्कुल जो है ना शूट नहीं कर पा रही, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कि रेगुलर रहूँ और रोज़ आप लोगों से कुछ ना कुछ शेयर करूँ कि जनाब क्या चल रहा है और इस गर्मियों में कैसे दिन गुजर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब शाम क्योंकि हो गई थी और कहा था कि कुछ ख़ास अहतमाम नहीं करूँगी, जो फ्रूट पड़ा है बस उसे ही कट कर लूँगी, और फ्रूट में आज पड़ी हुई थी चेरीज और दूसरी खरबूजा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा बस इन दोनों चीज़ों को कट कर लेती हूँ, फातिमा के बाबा भी आ जाएंगे, उनका भी रोज़ा है और साथ के साथ मेरा भी रोज़ा है। तो जनाब यहाँ पे मैंने फ्रूट में जो चेरीज थी उनको साफ कर लिया और साथ ही मैंने खरबूजा कट कर लिया, ब्रेड पड़ी हुई थी और सोचा कि जनाब ब्रेड पे मैं हमेशा बना के रखती हूँ सैंडविचेस बनाने के लिए, चिकन उसको मैं बना के रखती हूँ फ्रिज में, तो बस वो चिकन थोड़ी डाली मैंने ब्रेड पे और साथ ही मैंने इस पे मोज़रेला चीज़ डाल दी और एयर फ्राई में 3 से 4 मिनट के लिए रख दिया। चने थोड़े से बॉयल पड़े हुए थे और थोड़ा सा चनों की मैंने चाट बना ली, यानी कि भुने हुए चने बना दिए, उसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया और लहसुन ऐड किया और साथ के साथ मसालों में धनिया मिर्ची और चाट मसाला और इमली का पानी और हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर दी, तो ये चाट भी रेडी हो गई और रोज़े का अहतमाम भी हो गया। ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया, होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिए, कोशिश करूँगी कि रेगुलर रहूँ, बस आप लोगों की सपोर्ट और साथ चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जल्द मिलूँगी नई वीडियो में, आप सबको खुदा हाफिज़।